नमस्कार, स्पेन 9 न्यूज़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। मंगलवार 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 दिसंबर को जिस तरह 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए थे, जिसमें कांग्रेस को 3 बड़े राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के यहाँ दिग्गजों को फोन करके 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन कई नेताओं ने आने से मना कर दिया था। तो कुछ ने यहाँ पर छोटे नेताओं को भेजने की बात कही थी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई थी। लेकिन अब मंगलवार 19 दिसंबर को इस बैठक की तारीख तय हुई है और बैठक भी यहां होने वाली है। बता दें कि इसके अलावा जिस तरह से मंगलवार 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, यहां यूपी कांग्रेस की भी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही करते नजर आएंगे, जो यहां यूपी कांग्रेस के बड़े नेता है उनसे चर्चा करेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अपनी तैयारी और उस सीटों पर किस तरह से पार्टी को उतरना है उस पर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में यहां 28 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए का सामना करने वाले हैं। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है, उसके बाद से ही लगातार यहां पर विवाद इंडिया गठबंधन के कई दलों में देखने को मिले थे। मौजूदा विधानसभा चुनावों में देखा गया कि मध्य प्रदेश में केवल 6 सीटों के विभाजन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर यहां अखिलेश यादव ने ये बात तक कह डाली थी कि कांग्रेस के द्वारा हमें 6 सीटों का वादा किया गया था, जिस पर कांग्रेस मुकर गई और कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। इसके बाद यहाँ पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने इंडिया गठबंधन के तले यहाँ समाजवादी पार्टी को ये कह डाला था कि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में क्या हैसियत है उसे जानता ही कौन है। इस तरह से दोनों ही दलों के नेताओं के द्वारा यहाँ वार और पलटवार लगातार जारी रहे, जिससे इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच काफी रार देखने को मिली थी। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह से 19 दिसंबर को कांग्रेस ने अपनी यूपी प्रदेश में बैठक बुलाई है, उस बैठक में यहां ये भी चीज निकल कर के सामने आने वाली है कि पार्टी कितनी सीटों पर अपनी मांग रखेगी। आपको बता दें यहां पर कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 65 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी के 15 सीटें वो यहां आरएलडी और कांग्रेस के लिए छोड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि वो करीब यहां 80 में से 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और करीबन 25 सीटों पर जीत की यह दावा भी कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में सीट वितरण को लेकर भी इंडिया गठबंधन के अंदर बड़ा ही विवाद देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य दिल्ली का जिक्र करें, जहां पर 7 लोकसभा सीटें आती है और 7 ही लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो इंडिया गठबंधन के तले यहां 2024 के लिए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 3 सीटें कांग्रेस को दिल्ली में दे सकती है। लेकिन उसके मुख्य सूत्रधार आम आदमी पार्टी के लिए संजय सिंह रहे हैं, जो इस वक्त दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के आरोपों के चलते जेल में बंद है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के बीच अच्छे से सामंजस्य बैठाना और खास तौर पर सीट वितरण को लेकर सामंजस्य बैठाने में बड़ी चुनौती आ सकती है और यहां इंडिया गठबंधन में सीट वितरण को लेकर बड़ा ही विवाद भी देखने को मिल सकता है। अब जिस तरह से मंगलवार 19 नवंबर को पार्टी के द्वारा यहाँ बैठक बुलाई गई है, जिसमें कई दल शामिल होंगे, देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निर्णय निकल कर के आते हैं और क्या सीट वितरण का जो यह प्रक्रिया है वो इंडिया गठबंधन के अंदर शुरू होती नजर आती है। मालूम पड़ेगा इस तरह से सारी बात मंगलवार को, और इस पूरी जानकारी के लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें SPN 9 News।